ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो मुझे लगता है डेमोग्राफी इंडिया की, डेमोग्राफी इंडिया जनसांख्यिकी, जो कि 70% आबादी रूरल ग्रामीण इंडिया में बसर करती है। क्योंकि ग्रामीण इंडिया में बसर करते हैं तो जो उनकी एजुकेशन का स्तर है और जो उनके स्किल का स्तर है वो अमूमन खेती के लिए ही अच्छी तरह से इंगेज किए जा सकते हैं, बनिस्बत इसके किसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के। तो उसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट भी नेचुरली जो भी है वो 70% गाँव में व्याप्त, और गाँव में ही जमीन है, गाँव में ही पॉपुलेशन है, गाँव में ही एनवायरमेंट है। ज़रूरी है कि इस ज़मीन को लीज पे दिया जाए, ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्री में प्रोफेशनल अप्रोच लाई जाए, जो आज तक आ नहीं पाई है। उस ज़मीन को दिया जाए सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए, और उसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग का सिस्टम भी मैंने अपने ब्लूप्रिंट में दिया है, जो कि बेहद आसान है, ईजी टू इम्प्लीमेंट। मैंने बहुत से कंट्री में विजिट किया, छोटे से कंट्री, आप यहाँ देखेंगे कि पहाड़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है। इसकी पहले की स्लाइड चलाई हुई है, ये देखिए, आप नहीं पाएंगे कहीं पर भी एक स्क्वायर फीट जमीन भी खाली है। पानी है, रेलवे ट्रैक है, रोड है, चारों तरफ आप देखेंगे कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, यही मेरी कल्पना है। हम बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में भी जमीन जो है ये माना जाता है कि वर्ल्ड में 60 टॉप 3 पे आती है जमीन की कीमत। आप देखेंगे ट्रैक के बाजू में वहाँ पालक होती है, सब लोग ये कहते हैं पालक का सूप मत पीजिए, वहाँ पर लोग संडास भी जाते हैं। तो आप ये देखिए कि बॉम्बे जैसी जगह में जो कि इंडस्ट्रियल हब है, कॉरपोरेट हब है, वहाँ पर भी लोग खेती करके जमीन ढूंढ लेते हैं और अपना गुजर बसर कर लेते हैं। तो हम ये चीज़ गाँव में क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात है, इसके चलते हम ये निश्चित कर सकते हैं कि सिर्फ हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हर एक गांव में एम्प्लॉयमेंट होगा। यदि ये ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो ये पक्का होगा, और यदि हर घर में एम्प्लॉयमेंट होगा, हर घर की इनकम बढ़ेगी, हर घर की इनकम बढ़ेगी, स्टेट की इनकम बढ़ेगी, स्टेट की बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आज हमारे बच्चे एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। हमें राइट एजुकेशन देने की ज़रूरत है। राइट एजुकेशन से मेरा मायना है वो एजुकेशन जो ये बताए क्रिएटिंग वैल्यूज वर्सेस कंज्यूमिंग स्ट्रोक कैप्चरिंग वैल्यूज। व्हाट इज क्रिएटिंग वैल्यू? मेरे हिसाब से भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, जिसमें कि सारी दुनिया में 8 घंटे वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 घंटे सोने के लिए होते हैं, 8 घंटे सोशलाइजिंग और दूसरी गतिविधियां करने के लिए होते हैं। ये बच्चों को पढ़ाना बताना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे बच्चों के लिए किस मायने में वैल्यू क्रिएट करते हैं? 6 घंटे का अमूमन स्कूल होता है, सुबह का घंटा एक और शाम का घंटा एक, 2 घंटे का होमवर्क करना होता है। वॉट एवर दे लर्न, दैट इज द वैल्यू फॉर देम एंड सो एज द वैल्यू फॉर द नेशन। इस एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम भारत की बात करें, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम महात्मा गांधी जी की बात ना करें। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि बिलीव स्ट्रांगली इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, भारत गांव में बसता है और इसकी एग्रीकल्चर जो है इसकी इकोनॉमी की आत्मा है। मैं उसी एग्रीकल्चर की वापस बात कर रहा हूँ, उसी इकोनॉमी की वापस बात कर रहा हूँ, और मैंने कुछ भी नया इसमें नहीं किया है। ये सारी चीज़ें व्याप्त हैं, जैसे कि मेरा काम है रिसर्च करना, सच्चाई को उजागर करना, सच्चाई को आइडेंटिफाई करना। फैक्ट आइडेंटिफिकेशन इज माई जॉब, विच इज़ व्हाट आई हैव डन इट। एंड ये इसमें जितनी भी मैंने बातें कही हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक कॉरपोरेट का वीडियो है